राधे राधे मेरे सभी भक्तों को, आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि आखिर श्री कृष्ण ने ऐसी कौन सी विचित्र घटनाएं थी जिसको देखकर यह कहा था कि दुनिया ख़त्म होने वाली है और दुनिया अंत की ओर बढ़ रही है। तो सबसे पहले श्री कृष्ण ने पांडवों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि वे वन में जाएं और वन में अगर उन्हें कोई भी विचित्र घटनाएं देखने को मिलती हैं तो वो आकर उसने बताएं। सारे पांडव उनकी बताई हुई दिशाओं के अनुसार चल दिए। अब सबसे पहले युधिष्ठिर वन में जब भटकने लगे तो उन्होंने थोड़ी दूर पर देखा कि एक हाथी है जिसके दो सूंड हैं। युधिष्ठिर को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर काफ़ी समय तक वहीं रुककर यह सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्यों है, लेकिन उन्हें कोई उत्तर ना मिला तो वे अपने विचित्र हाथी को देखकर युधिष्ठिर वापस श्री कृष्ण के पास चल दिए। अब उन्होंने सोचा ये सवाल मैं श्री कृष्ण से ही पूछूंगा। अब अर्जुन ने वन में क्या देखा? अर्जुन जब भटक कर वन में पहुंचे तो उन्होंने देखा एक पंछी के पंखों पर वेदों की ऋषियां लिखी हुई थी, लेकिन वह पक्षी किसी जानवर का मांस खा रहा था। अर्जुन तो भाई बहुत ही सोच में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी चल दिए भाई, सोचा श्री कृष्ण से पूछेंगे। भीम जब वन में भटकते पहुंचे तो उन्होंने देखा एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और बछड़े को प्रेम में इतना चाटती रही कि बछड़ा घायल हो गया, बछड़े में से खून निकलने लगा। गाय को इस प्रेम को देख कर भीम को शब्द ही नहीं सूझ रहे थे कि आखिर ऐसा हो क्यों गया। नकुल ने वन में देखा कि एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कते हुए आ रहा है। इस पत्थर पर रास्ते में सभी पेड़ पौधों को गिरा दिया। इस पत्थर को मजबूत दिखने वाले पेड़ भी नहीं रोक पा रहे थे, लेकिन वही पत्थर एक छोटे से पौधे के पास आकर रुक गया। अब सहदेव ने देखा कि आसपास 5-6 कुएं हैं, उन सभी में पानी है, लेकिन इन छोटे कुओं के बीच में जो बड़ा कुआं है वह बिल्कुल खाली है, जबकि बीच का कुआं गहरा है फिर भी इसमें पानी नहीं है। सहदेव भी इस कुएं के रहस्य को जाने बिना ही श्री कृष्ण के पास लौट गए। सब लोग सोचे कि अब श्री कृष्ण से पूछा जाए कि ऐसा क्यों हो रहा। सभी पांडव श्री कृष्ण के पास आकर अपनी अपनी बातें बताते हैं और सबसे पहले युधिष्ठिर पूछते हैं कि हाथी के दो सूंड का अर्थ क्या है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि भविष्य में इस धरती पर मनुष्य के भी दो मुखौटे होंगे, वो दो तरह की बातें करेगा। आपस में मनुष्य नैतिकता को छोड़कर दोनों तरफ एक दूसरे का शोषण करेंगे। फिर श्री कृष्ण कहते हैं तुमने जिस पक्षी को देखा जिस पर ऋषियाँ लिखी हुई थी वह मांस खा रहा था, ये भी एक कलयुग का ही संकेत है। कलयुग में ऐसे मनुष्य होंगे जो दिखने में तो ज्ञानी और ध्यानी लगेंगे, लेकिन दूसरी तरफ किसी अन्य मनुष्य पर इस तरह अत्याचार करेंगे कि उनके शरीर में मांस दिखने लगेगा। इसका अर्थ है कि ज्ञान का दिखावा करके मनुष्य एक दूसरे के मांस का भक्षण भी करेगा। उन्हें केवल पद और धन से ही मतलब रहेगा, फिर चाहे उन्हें किसी की हत्या ही क्यों ना करनी पड़े। श्री कृष्ण ने भीम से कहा जिस तरह तुमने गाय को अपने बछड़े को वासल में लाट कर घायल करते हुए देखा, उसी तरह कलयुग में माता पिता अपने बच्चों के मुंह में इतने अंधे हो जाएंगे कि उन्हें सही गलत का ध्यान ही नहीं रहेगा, और इस वजह से कलयुग में अपने बच्चों को बिगाड़ने के जिम्मेदार स्वयं माता पिता ही होंगे। श्री कृष्ण ने नकुल से कहा कि कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब मनुष्य का पतन इतनी तेजी से होगा कि अपने संपर्क में आने वाले बड़े और मजबूत दिखने वाले मनुष्यों का भी वह पतन की ओर ले जाएगा, लेकिन एक छोटा सा पौधा यानी हरि नाम उस समय मनुष्य के पतन को रोकेगा। इसलिए कलयुग में हरि नाम जपने से मनुष्य धर्म मार्ग पर टिका रहेगा। सहदेव के खाली कुएं वाले दृश्य का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में भी मनुष्य इसी तरह का हो जाएगा। जब मनुष्य दिखावे के लिए अपने धन को खर्च करेगा, विवाह जन्म मरण आदि उत्सवों पर पैसे बहाएंगे और उन लोगों को धन और उपहार देंगे जो पहले से मरे हुए हैं, लेकिन उनके आसपास आस पड़ोस और रिश्ते नातों में गरीबी और तंगी झेल रहे मनुष्यों के पास कुछ नहीं रह जाएगा, उनका ध्यान जरूरतमंद लोग नहीं रख पाएंगे। तो आपने देखा किस तरीके से श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया कि दुनिया अंत की ओर जा रही है और कलयुग कैसे शुरू होगा। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे और भी वीडियोज़ लाती रहूँगी, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर से ज़रूर करिएगा ताकि ये कहानी आगे लोगों तक भी पहुँच जाए। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो।